हेलो एवरीवन, ये है सोलर एनर्जी एस्ट्रोनॉट डेकोरेशन जो कि एक टॉय है और आपके डैशबोर्ड पे लग जाता है। तो इसको मंगाए हुए मुझे 4-5 दिन हो गए हैं। मैंने धूप में रख के इस्तेमाल भी किया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और इधर उधर बात करी जाए तो हर जगह यही लिखा हुआ है। और ये 3 अलग अलग कलर में आता है, देखो, सिल्वर, वाइट और ऑरेंज। और ये मैंने मोटोजूप से परचेज किया है। तो ये अलग अलग आते हैं, देखो, कंपनी तो एक ही बनाती है और ये डब्बा भी एक ही है। इस पर ऐसा तो नहीं है कि मोटोजूप का नाम लिख रहा है। जो इंडिया में इम्पोर्ट कर ले भाई, ये उसी कंपनी का हो जाता है। तो मैंने मोटोजूप वालों से ऑर्डर किया था। और इससे पहले यहाँ पे मैंने एक सोलर रोटेटिंग कार रिंग लग रखी थी, जो परफ्यूम था वो इनका अच्छा नहीं था, मोटोजूप वालों का, लेकिन मैंने फेविक्विक लगा के चला लिया था। तो अब जल्दी से इसको हम जो है अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है मेरा वाइट कलर का, अभी एक पॉलिथीन चढ़ रही है जिसपे डस्ट भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। और ये है भाई इसका धूप में आउटपुट, अंदर 3D थोड़ा सा, देखो आप एस्ट्रोनॉट के चेहरे पे अंदर 3D पने, थोड़ा हरा नीला चमकीला कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर, और अब मैं बाहर निकाल रहा हूँ और ये हिलेगा, इसे हाई करते हैं और हम इसे यहाँ पे पेश कर देंगे। तो अब देखो ये कितना बढ़िया लगेगा। अब देखो ये मैंने पेश कर दिया और यहाँ सामने से धूप पड़ रही है इसके ऊपर, और ये जो है भाई इंडियन फ्लैग को फहरा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें वेट इसका ठीक ठाक है, ज़्यादा हैवी नहीं है और कलर वाइट है। यहाँ पर आपकी स्टिक चिपक जाएंगी 3M वाली। तो ये दोनों एक जैसे आ गए थे तो मैंने यहाँ से लगा के कैंची से कट कर दिया है। तो अब इसमें आ गया है अच्छे से। यहाँ मैंने 3M टेप को हटा दिया है अच्छे से लगाने के बाद, और यहाँ मैं आपके सामने प्लेस करूँगा। इसको ऐसे प्लेस करना है कि जब ये अपना झंडा हिलाए तो ऊपर शीशे में ना लगे और बीचों बीच सेंटर में रहे। तो अभी देखो यहाँ से ये झंडा ऊपर जा रहा है, शीशा ये है, तो यहाँ शीशे में नहीं लगना चाहिए। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, डैशबोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच में पीछे ये नहीं रहेगा। तो मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ यार। अब ये चिपक गया, अब देखो कितना प्यारा लग रहा है और कितना बढ़िया लुक आ रहा है। ना तो ज़्यादा छोटा है ये और ना ही ज़्यादा बड़ा है, क्या बात है। प्राइस की अगर बात करी जाए तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इसका क्या प्राइस है। तो ये उसको जस्टिफाई करता है? हाँ बिल्कुल करता है। इतनी महंगी आपने कार ली है तो यार क्या इतने रुपए सोचना, इतना तो हम डेकोरेशन के लिए लगा ही सकते हैं। और ये भाई मैंने नया खरीदा ही था, आप लोगों को बताया था, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। इससे पहले यहाँ हनुमान जी और वो टंगते थे शिव जी, तो वो टूट गए थे, तो मैंने ये मंगा लिया। और बाकी अगर आप Xiaomi 1S का अगर रिव्यू देखना चाहते हो, डैश कैम का रिव्यू, तो मैं आपको बना सकता हूँ। ये लगभग 9,000 रुपये का पड़ा था, इसका मैंने रिव्यू नहीं दिया है।